अब टीवी के ऊपर भी हम देखें तो टीवी पर लाइव प्रोग्राम चलते इस्तिखारा के, वो भी दुआ है। वो इस्तिखारा वहाँ पर बताए जाते हैं कि इस्तिखारा क्या होता है। अब उसके अंदर किसी को रिश्ते के लिए ज़रूरत है तो वो इस्तिखारा करने के लिए कहा, लेकिन वो फ़ोन लगा के पूछते हैं कि मेरा जो नौकरी नहीं लग रही, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मकान नहीं बन रहा, ये काम अटका पड़ा है, ये नहीं हो रहा, ये उधारी मेरी निकल रही, बिजनेस में मेरा अच्छा लॉस चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा। तो वो सब वही बैठकर बता देते हैं उनको इस्तिखारे के अंदर कि फला फला ये अमल कर लो, ये जो है ये वजीफा कर लो, इसको इतनी बार पढ़ लो तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। इस्तिखारा असल में है कि इस्तिखारा कहते हैं कि जो अल्लाह के इख्तियार में है उसको कहते हैं इस्तिखारा, और लोग दूसरे से उसके बारे में पूछते रहते हैं। इस्तिखारा उसको कहा जाता है जो अल्लाह के इख्तियार में, तो उससे तलब करना, उससे रहनुमाई मांगना अल्लाह से, ये जो है इस्तिखारा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सिखाया, और बल्कि कई सहाबा फरमाते कि इसको ऐसे हमको सिखाते थे कि जिससे फर्ज हो, जैसे इसको ऐसे सिखाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इस्तिखारा ये होता है कि किसी को काम करने से पहले इस्तिखारा करे। अब ऐसा नहीं कि इसका ये मतलब भी नहीं कि इन्हीं, तो कई लोग इसके ताल्लुक से गलतफहमी में भी ये रहते हैं कि किसी काम को किया करना है उसको, और वो कहते हैं कि ये काम उसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस्तिखारा कर लूँ, इस्तिखारा कर लूँगा तो क्या होगा कि ये मुझे इसके अंदर कुछ अलामतें दिख जाएंगी, कोई आके मुझे बता देगा, ख्वाब आ जाएगा, तो ये करना कि नहीं करना, हाँ या ना का उसके अंदर ये मिल जाएगा, इस टाइप का कुछ दिख जाएगा मुझे तो हो जाएगा, इशारे मिल जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको इशारे इसके अंदर मिले, अक्सर नहीं होता है। इस्तिखारा करने के बाद में आपको कोई इशारा मिले या कुछ दिखे या कोई आपको बताए ये गलत है सही, ऐसा ज़रूरी नहीं। ये इस्तिखारा ऐसे किया जाता है कि पहले तो आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को तय कर लें और उसके बारे में देख लें काम ये हलाल है कि हराम है। अगर वो काम पूरी तरह हलाल है तो आपने उसको तय कर लिया, उसके लिए कोशिश कर ली, उसकी पूरी जानकारी ले ली कि ये बिजनेस शुरू करना है, ये नौकरी करना है, फला जगह जाना है, रिश्ता यहाँ पर जोड़ना, आपने पूरी तहकीक कर ली उसके ताल्लुक से, कि अड़ोस पड़ोस से पूछ लिया, उसके रिश्तेदारों से पूछ लिया, इस लड़की से निकाह करे या नहीं करे, वो सारी तहकीक करने के बाद में फिर मन बन जाए आपका, तो फिर इस्तिखारा है, फिर दुआ करो उस काम को करो, इसको बोलते हैं इस्तिखारा करना। और ये आज ऐसा हो गया है कि इस्तिखारा तो फ़ोन पर और टीवी के ऊपर और सब इंटरनेट से यूट्यूब पर और लोग फ़ोन कर करके पूछते हैं और वो जो बताते होते हैं, जबकि इस्तिखारा असल ये है। तो इस्तिखारा में वो दुआ भी है कि इसके अंदर ये कि अल्लाह की अगर मेरे लिए ये काम फ़ायदेमंद है तो मेरे लिए इसको आसान कर दे, और अगर इसके अंदर मेरे लिए नुकसान है तो फिर मुझको इससे दूर कर दे। तो वो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाए या बाद में आपको जानकारी मिल जाए कि अरे काम गलत था, नुकसान में जा सकते, तो इसके लिए इस्तिखारा किया जाता है। तो काम शुरू करें, मुकम्मल इरादा आपने कर लिया, उसके बाद इस्तिखारा करेंगे और काम शुरू कर देंगे, वो हलाल काम होगा, आप पूरा काम करके, तो इसको बोलते इस्तिखारा करना। इस्तिखारा से ये नहीं होता कि वो नहीं,